हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज का ब्लॉग है करवा चौथ स्पेशल, क्योंकि आज हम जा रहे हैं करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। तो मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, मैंने खाना पीना बना दिया, बस मैं भी नहा ली हूँ और रेडी भी हो गई, कपड़े पहन लिए मैंने, और बस आरू को नहला के उसे तैयार करना है। शायद आरू को पता नहीं पक्की लेके जाएंगे या नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, और आरू को भी देखती हूँ लेके जाना है या नहीं, क्योंकि वो बाज़ार में थोड़ा परेशान कर लेता है शॉपिंग करने में। शॉपिंग में थोड़ा पता ही है आप लोगों को कितना। तो फिर बस हम आज जा रहे हैं करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। तो आपको दिखाती हूँ क्या क्या खरीदा हमने, क्या क्या नहीं, और बस अब उसे नहला के खाना पीना खा के थोड़ी देर बाद निकलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सब कुछ। तो तब तक के लिए मिलती हूँ। शादियों का सीजन आने वाला है, ढोल नगाड़े बजने लगे, हमारे पीछे होटल में डांस हो रहा है, तो आरू और मैं देख रहे हैं। हमारे आरू को बहुत पसंद है ढोल नगाड़े, वो भी नाचने लगता है, वो भी नाच रहा है। तो हम निकल चुके हैं घर से, छोटी की आवाज़। मैं आरू को लेके नहीं आई, मैं और ये दोनों आए हैं, आरू को सुला के आई हूँ मम्मी के पास। तो थोड़ा यहाँ पे ट्रैफिक है, करवा चौथ के लिए मिट्टी के कड़े बन चुके हैं, देख सकते हो। तो ये है मथुरा का धौली प्याऊ मार्केट, यहाँ अभी हम सुबह के टाइम आए हुए हैं, तो इसलिए दुकानें भी नहीं खुली, भीड़ भी नहीं है। तो हम जा रहे हैं पोली गेट मार्केट, हम वहीं से शॉपिंग करेंगे, जो भी लाना होगा वहीं से लाएंगे। तो हमने धौली प्याऊ में पहले अपने लिए पायल देखी, क्योंकि ये सुनार हमारे जानने वाले हैं, तो हम यहीं से लेते हैं अपना कुछ भी। तो पायल ली मैंने यहाँ से, और फिर हम निकल दिए होली एट मार्केट। तो हम पहुँच चुके हैं होली गेट मार्केट, आप देख सकते हो, लेकिन जहाँ से हमें शॉपिंग करनी है वो थोड़ा और दूर है, तो वहाँ चलते हैं। तो मिट्टी के कड़े तो सब जगह आ चुके हैं, क्योंकि करवा चौथ भी नज़दीक आ गई है। मार्केट में बहुत ज़्यादा करवा चौथ की शॉपिंग हो रही है, सभी देख सकते हो कितने लोग इधर उधर कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। अभी थोड़ा सुबह के टाइम है, तो थोड़ा इतनी ही भीड़ है। तो ये है होली गेट मार्केट, देख सकते हो आप लोग। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग भी यहीं से की थी। तो यहाँ से मैंने श्रृंगार का सामान ले लिया पहले ही, अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए, कुछ देख रहे हैं।
ये अपने लिए इत्र ले रहे हैं गुलाब का और मोगरे का। तो मैंने यहाँ से चूड़ियाँ ले ली मम्मी के लिए और अपने लिए। अब हम यहाँ से चलते हैं घर के लिए। देख सकते हो करवा चौथ का सामान आ चुका है। तो ये था होली गेट मार्केट। यहाँ पे खाने की स्टॉल लगी रहती हैं, बहुत अच्छा खाना बनता है यहाँ पे। और फिर हमने पिया यहाँ से गन्ने का जूस कि गर्मी थोड़ी अभी है, दोपहर में गर्मी पड़ती है तो हमें थोड़ी प्यास लगा, गन्ने का जूस पिया यहाँ से। यहाँ से अब हम निकल लिए घर के लिए। ये आ गया धौली प्याऊ मार्केट। धौली प्याऊ मार्केट से ही होके जाते हैं। तो हम अब घर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से हमारा घर थोड़ी दूर पड़ता है, बस अभी पहुंचते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ घर पहुंच के। तो हम घर पहुंच चुके हैं, आरुष जगा हुआ मिला हमें। तो फ्रेंड्स हम घर आ चुके हैं। तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि हम बाजार से क्या क्या खरीद के लेके आए। ओके, तो मैं स्क्रू बात करती हूँ। इस ब्लाउज से मुझे ये बहुत पसंद आया, ब्लैक कलर में था, मैंने सोचा ले लेती हूँ, सब पे चल जाएगा। तो ये मैंने ब्लाउज ख़रीदा, इसकी बाजू मुझे बहुत पसंद आई, सब पे चल जाएगा। फिर मैंने ये एक ब्लाउज लिया। बिंदियाँ ली, एक मम्मी के लिए, एक अपने लिए। नेल पेंट दो लेके आई मैं अपने लिए। सिंदूर, लिपस्टिक, क्लेचर मैं तीन लेके आई। क्लेचर ही लगाती हूँ मैं ज़्यादातर। कॉर्न, लिपस्टिक, बोरोप्लश, रबर, आईब्रो पेंसिल, अल्ता, नेल पेंट रेड वाली मम्मी के लिए, मम्मी रेड लगाती हैं, और पिन। और मैं चूड़ी भी लेके आई अपने लिए, मैं चूड़ा लेके आई। और ये कड़े लेके आई डेली के लिए। आरू इधर बैठो। आरू तुम मेरा देखो, वीडियो बना रही हूँ ना आपके लिए, है ना, वीडियो बन रही है। और मैं मम्मी के लिए चूड़ियाँ लेके आई। मम्मी ऐसी चूड़ियाँ पहनती हैं, आरू तो गिर जाएगा ना। तो और मैं लेके आई पायल, आपको दिखाती हूँ मेरी पायल। इन्होंने पसंद की थी, इन्हें पसंद आई थी, तो इनकी पसंद से लेके आई हूँ पायल। दिखा दे, ये मुझे वीडियो नहीं बनाने देता, परेशानी करता है। दिखाने दे ना पायल, दिखाने दे कैसी है। ये है पायल, ये नहीं दिखाने देता। ओ,
ओ ये पसंद आई आरू को। और मेरी एक पुरानी पायल थी, उनके रोने खराब हो गए थे तो रोने डलवा के आई। ये है मेरी पुरानी वाली, तो इनकी रोने डलवाई मैंने। बिट्टू रुक जाना, ये नहीं कुछ करने देगा। तो अब इस ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं, क्योंकि ये आगे बढ़ने नहीं देगा हमें। तो बस यही सब कुछ था, ये कुछ खरीदा मैंने सामान। साड़ी वगैरह मैं उसी दिन दिखाऊंगी आपको, करवा चौथ वाले दिन। तो अब इस ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं। तो आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो बाय बोल दो, बाय तो बोल दो। चलो बाय बोलो आरु, बाय तो बोलो, बाय बोलो ना बोलो, बाय बोलो। चलो नमस्ते तो कर सकते हो, नमस्ते कर दो। नमस्ते, पहले नमस्ते करो, नमस्ते करो। ऐसे नहीं करते बिट्टू, नमस्ते कर दो पहले। ये कुछ नहीं करेगा। तो अब इस ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं। बाय बाय।